कि ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। बिल्कुल वही रूल है कि ए बी इक्वल टू बी ए होता है, ठीक है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, लेकिन इसमें ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स हो सकता है, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की तरह ही बिल्कुल है। देखो अब इसको हमें अगर वेरीफाई करना है, ये तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर हमें इसको वेरीफाई करना है, बिल्कुल एग्जाम में दो नंबर पूछ सकते हैं वेरीफाई करने के लिए, ऐसे सवाल पूछ लेते हैं हल्के फुल्के होते हैं जो, ठीक है, और कई बार वन मार्क्स में भी आ जाता है भाई, वन मार्क्स में भी आते हैं, ध्यान रखना। अब देखो सो इसे हमें वेरीफाई करना है बच्चों, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बी इंटू में ए बी का इनवर्स इक्वल टू आई, कैन आई राइट दिस भाई, ए बी इंटू ए बी का इनवर्स इक्वल टू आई। अच्छा ये वाली एक प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले सेक्शन में, ए इक्वल टू क्या होता है, देखो ए आई जो a इंटू में a इनवर्स होता है वो i के बराबर होता है। अगर हम किसी मैट्रिक्स का इटसेल्फ अगर हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो i के बराबर हो जाता है, a a इनवर्स इक्वल टू i होगा, क्या होगा, a a इनवर्स इक्वल टू i होता है, इस बात को समझना। अब ए बी और ए बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, राइट, ए बी और ए बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। अब आगे हम क्या करेंगे, इसको हम दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से दोनों तरफ हमने क्या कर दिया इसको ए इनवर्स से इनटू कर दिया, इसे हम बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई, यानी कि एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट, सो प्री मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब क्या आ जाएगा ये भाई, ए और ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स इनटू ए, और b a b इनवर्स इक्वल टू a इनवर्स इंटू i क्या हो जाएगा, a इनवर्स ही हो जाएगा भाई, मैट्रिक्स का वन है ये, तो वन से कोई भी नंबर इंटू करो वही नंबर आ जाएगा, तो a इनवर्स ही आ जाएगा। अब a और a इनवर्स क्या होता है, i के बराबर, ये i हो जाएगा, ib इंटू a b इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, इसको हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे फिर से b इनवर्स से, अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई by a इनवर्स पहले किया, अब प्री मल्टीप्लाई by b इनवर्स। देखो प्री का मतलब क्या होता है कि भाई किसी भी नंबर से पहले अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसे हम प्री बोलेंगे, अगर आप इसके बाद मल्टीप्लाई करते हो तो उसे हम पोस्ट बोलते हैं। तो नंबर से पहले जहां आप मल्टीप्लाई कर रहे हो प्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नंबर के बाद अगर आप कहीं मल्टीप्लाई करोगे तो पोस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो प्री मल्टीप्लाइंग बाई बी इनवर्स, तो बी इनवर्स इंटू बी, इसको इंटू कर दिया, बी इनवर्स इंटू बी, आई तो वन ही हो गया, ठीक है, और इनटू में ए बी इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। मैथ्स का रूल है भाई, जितना आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई करोगे उतना आपको राइट में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। चलिए अब बी इंटू बी इनवर्स क्या हो गया, आई हो गया, आई इंटू ए बी इनवर्स क्या हो जाएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, है ना। इससे हमारे पास क्या आ गया कि ए बी का इनवर्स क्या हो गया, बी इनवर्स ए इनवर्स हो गया, ठीक है। ए बी का इनवर्स क्या होता है, B inverse into A inverse, एक ये प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करती है, ठीक है। तो ये कुछ मिली जुली कुछ चार पांच प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, थोड़ा दिमाग में याद रख लेना, और वन वन नंबर के एक एक मार्क्स से कुछ यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं।